वक्रतुंड महाकाल सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु बरसात में बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम बरसात में बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम बरसात में
कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति भी देवे सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जायापहा नमस्कार हमने जणावता खूब आनंद थाय छे के फिल्म जगत ना महान कलाकार स्वर्गस्थ राज कपूर साहेब नी 21मी पुण्यतिथि याद में तेमना प्रोडक्शन हेठना चलचित्रों पैकी केटलाक यादगार गीतों नो कार्यक्रम श्रद्धांजलि रूपे रजू करवानो प्रयास करवामां आव्यो छे। आ कार्यक्रम में अमारा आमंत्रण ने मान आपीने अहीं पधारेला श्री अमिका निकेतन मेडिकल ट्रस्ट अने भारतीय मिया मेमोरियल फाउंडेशन संचालित भरत कैंसर हॉस्पिटल सेक्रेटरी श्री रसिक भाई हांसोटी संस्था मेडिकल डायरेक्टर श्री विनोद भाई शाह श्री रविराज साहेब तेमज एडमिनिस्ट्रेटर श्री दवे साहेब जो तबीबी क्षेत्र प्रवृत्ति साथ सेवा कार्य में जोड़ेला है। सूरत सीनियर सीटिजन एसोसिएशन प्रमुख श्री शाह साहेब सलाबतपुरा सीनियर सीटिजन प्रमुख श्री विनोद भाई चेवली साहेब हरिओम वरिष्ठ नागरिक परिवार प्रमुख श्री आर बी शाह साहेब सरिता सागर संकुल ट्रस्ट ट्रस्टी श्री नटूभाई पटेल मुकेश गीत कोच और गुजराती फिल्म गीतों कोच रचयिता श्री हरीश रघुवंशी गीताबेन चौकसी तेमज सूरत शहर नामांकित सर्जनों तथा व्यापारी भाईओ नामी अनामी महानुभावों सीनियर सीटिजनों तथा संगीत प्रेमी भाईओ बहनों आप सौ पोतानो कीमती समय आपी अत्रे पधारवा बदल हूँ भरत गज्जर हरिओम म्यूजिकल पार्टी वती आप सौनु हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत साथ आभार आवकारु छू। आजना आ कार्यक्रम ना पधारेला तमाम प्रेक्षक मित्रों कोई ना कोई कारणसर आ संस्था साथ जोड़ेला है जेथी आजनो आ कार्यक्रम अपना पोतानो तेमज अपना परिवारनो संयुक्त कार्यक्रम है जेनु अमने गर्व है। संस्थानो परिचय आपी दऊं सन 2005 में संगीत प्रेमी श्री प्रवीणभाई जोशीए फक्त बे सभ्यों थी संस्था की शुरुआत करी थी। आज संस्था 27 सभ्यों की संख्या धरावे है। नवा नवा उगता कलाकारों ने प्रगतिना पंथे लई जवाना प्रयत्नों करी रही है सफलताना पंथे लई जवाना जवा पर मददरूप बने छे। आप सौनी शुभेच्छाओं चाहना तेमज सहकारना सत्वार रही भूतकाल में करेला संगीतना कार्यक्रमों में खूब सफलता मिली है। आजे फरीथी नवा स्वरूपे कार्यक्रम रजू करवाना छे जे हरमेशनी जेम यादगार बनी रहेशे एवी आशा छे। आजे संस्थाना जे सभ्यों ने अमे मंच पर गायक कलाकार तरीके रजू करवाना छे तेमना केटलाक प्रोफेशनल गायक नथी परंतु तेमनी संगीत साधनानो पूंजा समझीने तमारी समक्ष रजू करीए छीए। तेमनी नानी मोटी भूलोनो नजरअंदाज करी तेमने प्रोत्साहित करी तेमनी कलानी कदर करवा नम्र विनंती। आ कार्यक्रम ने मदरूप थई सफल बनावा माटे जे संस्थाओ व्यापारी भाईओ मित्रोए पोतानी जाहेरात आपी संस्थाने प्रत्यक्ष अपरोक्ष रीते सहकार आपी कार्यक्रमनी सफलता माटे भारे उत्साह दाख्यो छे ते सौना अमे खूब ज आभारी छे अने भविष्य में आज रीते अपना सहकारनी अपेक्षा राखवामां आवे छे। गांधी स्मृति भवनना मैनेजर श्री खान साहेब तेमना स्टाफ मित्रों तेमज संस्थाना सभ्यश्रीओ तथा कार्यक्रम ने सफल बनावा माटे जे जे व्यक्तिओ ने मददरूप थया छे ते सौना अमे खूब ज आभारी छे। संगीत में रस धरावती व्यक्तिओ आ संस्थानी मेम्बरशीप मेळवा माटे संस्थाना प्रमुख श्री प्रवीणभाई जोशीनो संपर्क साधवा विनंती। आप सौए मने शांति सांभळ्यो ते बदल धन्यवाद। कार्यक्रम ने खूब शांति से माणसो एवी अपेक्षा साथे कार्यक्रम खूब शांति से माणसो एवी अपेक्षा साथे कार्यक्रम शुरू करवा तेमज तेनु संचालन करवा श्री दिलीप भाई गांधी ने विनती करवामां आवे छे। तो आ साथे जोरदार ताली होती तेमनु स्वागत करीशुं। आभार। नमस्कार। आवाज की दुनिया के दोस्तों
आज की ये गीत संगीत से सजी बेहतरीन महफिल में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। खास तौर पर हरिओम म्यूजिकल पार्टी के प्रवीण जोशी और भरत गज्जर की ओर से मैं आप सबका दिलोजान से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब सीनियर सिटीजन्स हो, जीवन के हर पहलुओं को देखने वाले, जीवन के हर सुख दुख के अनुभवों का एहसास करने वाले, जीवन की रंगीन पलों के साक्षी एवं जीवन के कड़वे सत्य को पहचानने वाले अनुभवी मूर्त एवं तजुर्बेकार हो, जीवन की संध्या पर ठहरने वाले सभी सीनियर सिटीजनों का मैं आपका दोस्त दिलीप गांधी फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये महफिल आप सबके मनोरंजन की महफिल है। आप में से ही आपके कई दोस्त उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। उनकी हौसला अफजाई करना, उन्हें तालियों से नवाजना वो आपका कर्तव्य है। ये आप ही के भाई या बहन है, ये कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, लेकिन जिंदगी के पिछले ठहराव में ये गाकर अपना और आप सबका दिल बहलाना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दिन ये सुहानी शाम हम अपने प्यारे अभिनेता राज कपूर की अदाकारी से सजी बेहतरीन फिल्मों के लोकप्रिय गानों को गाकर सजाने वाले हैं। हमारे सभी गायक कलाकार और बॉलीवुड बिट्स के साजिंद फनकार आप सबको चंद घंटों के लिए ले जाएंगे एक ख्वाबों की संगीत से सजी दुनिया में, जिसके जरिए आपकी ये रात आप सबके जीवन की एक यादगार, शानदार और जानदार रात बनकर रह जाएगी। तो आइए, पेश खिदमत है राज कपूर अभिनीत, दिग्दर्शित, निर्मित फिल्मों के चुने हुए मोतियों जैसे सदाबहार गीत संगीत की महफिल, अ स्पेशल म्यूजिकल मेलोडीज शो फॉर ट्रिब्यूट टू द ग्रेट शोमैन ऑफ द मिलेनियम The Raj Kapoor on the 21st death anniversary. Late Raj Kapoor on his 21st death anniversary. Managed by senior citizens. Presented by Hariom Musical Party. Oh,
शिवम सुंदरम दोस्तों, जैसे सभी महफिल का आगाज ऊपर वाले के नाम के साथ किया जाता है, वैसे आज की इस महफिल का आगाज भी हमारे राज कपूर निर्मित सत्यम शिवम सुंदरम के सुरीले गीत के साथ हमने पेश किया। दीपल बहन ने इसे आपके सामने सुरेल अंदाज में गाया। और आइए आज की इस महफिल में आगे बढ़े हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, 2 जून 1988 के दिन फिल्मी जगत के आसमान से एक चमकता हुआ सितारा हमेशा हमेशा के लिए गुल हो गया। अभिनेता, निर्माता, दिग्दर्शक राज कपूर इस फानी दुनिया को छोड़कर खुदा की रहमत में चल दिए। उनके करोड़ों चाहने वालों के दिलो दिमाग की धड़कन बंद सी पड़ गई। फिल्मी जगत का ये चहीता सितारा अपनी 53 साल की फिल्मी कारकिर्दी के बाद अस्थमा की बीमारी से पीड़ित होकर मौत से जूझने के बावजूद भी अपने को बचा नहीं पाए।
हिंदुस्तान के सबसे बड़े शोमैन का जीवन समाप्त हो गया, परंतु जो महक ये इस दुनिया में छोड़ गए हैं वो आज भी फिल्म संगीत के चाहने वालों की दुनिया को महका रही है, जिसका सबूत पेश करने के लिए आप सभी साहबान इसी हॉल में बड़ी तादाद में उपस्थित हुए हैं। आइए आज की महफिल में आगे बढ़े। शंकर जयकिशन की मौसीकी ने शैलेंद्र की रचना को सदाबहार गीतों में ढाला था और मुकेश जी की आवाज से जो गीत अमर बन गया था उस गीत को याद करते हैं। श्री 420 का गाया वो हरदिल अजीज गाना, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ला रहे हैं मुकेश भालानी, जरा जोरदार तालियों से कलाकार का स्वागत हो। आइए आगे बढ़े। जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाए हम सैलानी दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तेरा जूता है जापानी। जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। थैंक यू वेरी मच। 1951 में रिलीज हुई आवारा फिल्म के सभी सॉन्ग्स वैसे तो बेहतरीन तरीके से पेश हुए थे। आवारा के ड्रीम सॉन्ग के शूटिंग के दौरान कृत्रिम बादलों को पेश करना जरूरी था,
स्टूडियो में 40 गैस के सिलेंडर तैनात कर दिए गए, सभी तरह की गैस इस्तेमाल की गई, अंत में काम बना कार्बन डाइऑक्साइड से। स्टूडियो में डॉक्टर भी तैनात किए गए, गाना पिक्चराइज हो रहा था, घर आया मेरा परदेसी, और अदाकार थे राज कपूर और नरगिस, कैमरामैन थे राघु कर्माकर। गैस के सिलेंडर फोड़े गए, सारा सेट सफेद गैस से भर गया, सांस लेने में परेशानियां होने लगी, और इस दौरान परेशानी होना तो आम बात ही थी। बहुत कठिनाई से इस सीन को पिक्चराइज किया गया, पर जब इसका रिजल्ट पर्दे पर आया तो देखने वाले इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। एक शॉट के लिए इतनी जहमत उठाने वाले वो राज कपूर थे। मेरा कहने का मतलब, राज कपूर को अपने काम के प्रति इतना लगाव था। आइए सुने आवारा फिल्म की ये ड्रीम सॉन्ग प्रज्ञा बहन से। प्रज्ञा जी के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये मंच प्रोग्राम की वैसे भी जानी मानी पहचानी फनकारा है। Thank you.
तो जनाब ये था आवारा फिल्म का ड्रीम सॉन्ग। 1948 के आग से लेकर 1964 में आई संगम तक आते आते राज कपूर साहब का सारा ध्यान संगीत के चित्रीकरण पर केंद्रित हो गया। अपनी सारी प्रतिभा उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक पर लगा दी। संगम के सभी गानों को जो मकबूलियत हासिल हुई वह धुनों के बजाय उनकी पिक्चराइजेशन की खूबियों की वजह से मिली थी। संगम वो पहली फिल्म थी जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक का अलग से एक एलपी रिकॉर्ड बना। आइए दोस्तों संगम का रफी साहब का गाया एक गीत सुने जो हसरत जयपुरी साहब ने लिखा, शंकर जयकिशन साहब ने संगीतबद्ध किया। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। फरमा रहे हैं महेश पटेल। जरा जोरदार तालियों से महेश भाई का स्वागत किया जाए। मगर उसमें भी दाग है, तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे सूरज में कहता था मगर उसमें भी आग है, तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा, तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा, तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा, अगर मर जाऊं भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना,
कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। थैंक यू दोस्तों। एक के बाद एक राज कपूर की अदाकारी से सजी फिल्मों के हिट गीतों को आप सुन रहे हैं और उसी फनकारों से सुन रहे हैं जो प्रोफेशनल नहीं है। आइए दोस्तों, आज की इस महफिल को हमने सजाई है राज कपूर के ऊपर चित्रित किए गए गीतों के जरिए। एक और कदम आगे बढ़े, ओम प्रकाश के भाई पाछी, और पाछी ने भारत की सबसे पहली 70mm हिंदी फिल्म बनाई अराउंड द वर्ल्ड। आइए जिक्र कर रहे हैं उसी फिल्म के एक दो गाने का जो वैसे तो मुकेश जी और शारदा ने गाया था। यहां पर पेश कर रहे हैं हमारे दो फनकार मुकेश भालाणी और प्रज्ञा जी, दो फनकार, दो आवाजें, दो गाना, फिल्म अराउंड द वर्ल्ड। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो, किसी का आए हो बैठो तो ये मौसम भी सुहाना है। अभी आए हो बैठो तो ये मौसम भी सुहाना है। अभी तो हाल दिल तुमको निगाहों से सुनाना है। नजर प्यासी ये दिल प्यासा, किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना। चले जाना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर के निर्देशन में बनी 1971 की फिल्म थी कल आज और कल, जिसमें राज कपूर की तीनों पीढ़ियों का जिक्र किया गया था। आर के बैनर के तहत बनी इस फिल्म का किशोर कुमार का गाया एक गीत पेश खिदमत है,
भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल। लीजिए सुने हमारे हसमुख भाई पटेल से, जरा तालियों से नवाजे इस फनकार को जो महफिल को रोशन करने के लिए आ रहे हैं अपनी खूबसूरत सी आवाज को लेकर। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाल रखा है दिल। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाल रखा है दिल। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए मुझे कब से थी प्यार जूस्त जू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मुझे कब से थी प्यार के जूस्त जू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए, मेरे दिल में झूमे तेरी आरज़ू। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाल रखा है दिल। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा इकरार है। गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा इकरार है। तू इतना समझ ले मेरे हम सफर, तेरे प्यार से मेरा संसार है। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाल रखा है दिल। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाल रखा है दिल। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए दोस्तों 1970 यानी 1970 में आई मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर को लोगों ने राज कपूर की निजी जिंदगी के साथ जोड़कर देखा, जो एक के बाद एक उसके जीवन में आई उन हीरोइनों के साथ जोड़कर देखा, जो जिंदगी में आई और फिर उसे अलविदा कह गई। वस्तुतः ये फिल्म एक कलाकार का जीवन का दर्शन था, जिसका हंसना रोना सब कुछ दूसरों के लिए है। उसकी जिंदगी एक तमाशा है, एक ऐसा तमाशा जो कभी खत्म नहीं होता। अपनी मां की मौत की खबर सुनते ही
राज की आंखें डबडबा जाती है, फिर भी चेहरे पर हास्य लिए वह लोगों को हंसाने की कोशिश करता है। दिल रोता है, चेहरा हंसता है, हंसाता है। शो मस्ट गो ऑन, जोकर का तमाशा कभी नहीं रुकता। आइए यहां पर सुने मन्ना डे साहब का गाया वो बेहतरीन गीत, ए भाई जरा देख के चलो। लेकर के आ रहे हैं हमारे प्रकाश गज्जर साहब। जरा जोरदार तालियों से कलाकारों का स्वागत होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि उनकी हौसला अफजाई हो जाए। दोस्तों साथ में हमारे शीतल ठक्कर अपनी अदाकारी के जलवे भी दिखाएंगे। राज कपूर साहब को तादृश करते हैं हम स्टेज के ऊपर। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू यहाँ आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुचा नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खड़े को भी, छोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के कोड़े पर कोड़ा जो भूख है, कोड़ा जो पैसा है, कोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है, हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक के करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका गाता है, प्यार जिसके पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंक का कतार है। कहिए शिवान आपका क्या इच्छा है, माल जिसका गाता है, प्यार जिसके पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंक का कतार है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई सर्कस, हाँ बाबू ये सर्कस है, और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।
पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है। और इसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है, रहता है जो कुछ वो। खाली खाली कुर्सियां है, खाली खाली तंबू है, खाली खाली तेरा है। बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है मेरा है। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े दोस्तों आज की इस महफिल में। गीतकार शैलेंद्र निर्मित फिल्म थी तीसरी कसम। राज कपूर वहीदा रहमान अभिनीत इस फिल्म को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया था, परंतु शैलेंद्र उस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे थे। मरणोत्तर अवार्ड लेने के लिए शैलेंद्र की पत्नी वहां पर गई थी। जब हॉल से बाहर निकली तो हाथ में सुवर्ण चंद्रक था, पर होटल में वापस जाने के लिए जेब में टैक्सी के पैसे नहीं थे। उस समय मुकेश जी ने परिस्थिति को संभाला, उन्होंने मदद की। देखिए दोस्तों ये कैसी कठिनाइयां आती है कलाकारों के जीवन में, इसे कहते हैं कर्म की कठिनाई। आइए सुने। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठियां हो तो हर कोई बांचे, भागन बांचे कोई, कर्मवा बैरी हो गए हमार। सुना रहे हैं हमारे मुकेश भालाणी साहब। सजनवा बैरी हो गए सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांचे, भाग ना बांचे कोई, कर्मवा बैरी हो गए। बसे परदेश सजनवा सौतन के घर आए, जाए बसे परदेश सजनवा सौतन के घर आए, ना संदेश ना कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए, डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके सोला पार सजनवा बैरी हो गए हमार।
गोद मोर सुनी मर मन जाने को छटपट तड़पे प्रीत बिचारी ममता आंसू ना को सजनवा बैरी हो गए थैंक यू थैंक यू।